मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 11 बजे ग्रेटर नोएडा की निजी यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री 1 बजे जीबीयू के लिए रवाना हो जाएंगे। जीबीयू में 2 घंटे तक वक्त बिताएंगे। तीनों प्राधिकरणों के सीपी और जिलाधिकारियों के साथ भी वो समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा के दौरे पर रहेंगे, जिसमें 1 बजे जीबीयू के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री और यहां पर लगभग 2 घंटे तक अपना समय देंगे। तीनों प्राधिकरणों के सीपी और डीएम के संग बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं सीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। दानिश मेरे साथ इस खबर पर ग्रेटर नोएडा से जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे दानिश का। दानिश, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा के दौरे पर रहेंगे, कितना खास ये दौरा माना जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जो मुख्यमंत्री हैं वो दीक्षांत समारोह में यहाँ पर आ रहे हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल दादरी इलाके में एक निजी यूनिवर्सिटी है, उसका जो दीक्षांत समारोह है उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यहाँ पर शिरकत करेंगे और जो वहाँ के बच्चे हैं उनको डिग्रियाँ बांटेंगे। तकरीबन 11:30 बजे का मुख्यमंत्री का आने का वक्त है। 11:30 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पर लैंड करेंगे और उसके बाद आधा घंटा यहाँ रुकेंगे और उसके दीक्षांत समारोह में शिरकत करके वो यहाँ से सीधा जीबीयू जाएंगे, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जाएंगे। वहाँ पर तीनों प्राधिकरणों के सीईओ और जो यहाँ के सीपी हैं लक्ष्मी सिंह, उनके साथ बैठक करेंगे। यानी ये कहा जाए कि विकास कार्यों का पहले समीक्षा करी जाएगी, फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करी जाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है वहाँ पर भी मुख्यमंत्री जा सकते हैं। वहाँ पर का जो काम है, वहाँ किस तरीके से काम चल रहा है, कितना वक्त काम पूरा होने में लगेगा और भी क्या आवश्यकताएँ हैं वहाँ पर, उसको भी देख सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि वो जेएर एयरपोर्ट के निर्माणाधीन साइट पे जाएंगे, लेकिन हाँ माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री आज जा सकते हैं, क्योंकि जो टारगेट रखा गया था 20 जनवरी का टारगेट रखा गया था कि एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट उड़ा देंगे। लिहाजा जब पिछली बार मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने एयरपोर्ट का काम की समीक्षा करी थी, तो ये माना जा रहा है क्योंकि दिसंबर महीना चल रहा है, लिहाजा मुख्यमंत्री हो सकता है कि जेवर एयरपोर्ट का भी निरीक्षण कर लें। तो ये एक दौरा, अहम दौरा है, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना, इन तीनों प्राधिकरणों में विकास कार्य की जो योजनाएं हैं वो लगातार चल रही हैं। अभी 2 दिन पहले ही जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं जतिन प्रसाद, उन्होंने 3600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। लिहाजा जितनी भी परियोजनाएं हैं वो किस स्पीड से चल रही हैं, किस तरीके से उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है, किस तरीके से उनको ज़मीनों पर उतारा जा रहा है, लिहाजा उसी वजह से तीनों प्राधिकरणों के सीईओ, डीएम, सीपी इन सब के साथ बैठक करेंगे और पूरे जितनी परियोजनाएं हैं उसकी समीक्षा बैठक कर उसका जायजा लेंगे। जी बिल्कुल दानिश। संदीप खेर भी मेरे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, आपके पास क्या अपडेट है? जिस तरीके से हमारे सहयोगी दानिश ने बताया कि वो बैनेट विश्वविद्यालय जाएंगे, वहाँ पे 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे, वहाँ के छात्रों को सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुँच रहे हैं, नोएडा पहुँचकर उन्होंने एक मिथक को भी तोड़ने का स्वाति प्रयास किया है, जहाँ पर ये कहा जाता था कि कोई भी मुख्यमंत्री अगर वहाँ पर दोबारा जाता है तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नोएडा के दौरे पर रहे हैं। अब आज देखिए, जिस तरीके से तीन प्राधिकरणों के साथ गौतम विश्वविद्यालय में बैठा गया, जिसमें नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है और यमुना प्राधिकरण, इसमें देखिए पूर्व की परियोजनाएं और आगामी परियोजनाओं पर आज डिस्कस होना है कि उनको किस तरीके से अमली जामा पहनाया गया और अगर उसमें देरी हुई है तो वहाँ पर अधिकारियों से सवाल जवाब भी किया जाएगा। और उसी के साथ साथ देखिए, आने वाले समय में, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसके निवेश को अब तक धरातल पर कितना उतारा गया है और अगर उस काम में तेजी नहीं आई है तो ये बताया जा रहा है कि अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही भी हो सकती है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर आज बैठक करेंगे और इसको लेकर जो भी विभागों की तैयारी है, प्राधिकरण की तैयारी है, तमाम जो अधिकारी हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन देने की तैयारी करें। और ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व की परियोजनाओं के साथ साथ आगामी परियोजनाओं का भी प्रेजेंटेशन देखेंगे, अधिकारियों
से बातचीत करेंगे कि सभी जो भी इनकी परियोजनाएं थी उनको धरातल पर आने में कितना समय लगेगा, क्योंकि देखिए ये वही नोएडा है जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ था और उसने उत्तर प्रदेश को एक ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया था। पूर्व की सरकार में देखिए ऐसा कहा जाता था कि कोई भी मुख्यमंत्री अगर नोएडा चला जाए तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनता, इसको लेकर कई बार बातें जो है वो सामने निकल कर आई। मायावती के दौर से ये जो मिथक चले आ रहे थे, आपने संदीप बिल्कुल सही कहा कि कई मिथकों को तोड़ने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और अगली खबर